जी हाँ, कनाडा की तरफ से जो है बहुत अच्छी जो है न्यूज़ आई है, जो कि न्यू फाउंडलैंड एंड लेबरेटर से रिलेटेड आई है। जो न्यू फाउंडलैंड और लेबरेटर की रिलेटेड है, उसमें जो पहले ही ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था ये प्रोग्राम, जो कि प्रायोरिटी स्किल पाथवे प्रोग्राम, जिसका मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था। ये प्रोग्राम पहले भी जो है ऑलरेडी जो है अनाउंस हो चुका था, लेकिन अभी क्या है कि जनवरी 2021 से ये जो है जो मतलब ये आ गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या इसमें जो है प्रोसेस इसका, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, इस वीडियो में आपको यही पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया, मैं एडवाइस करता हूँ सभी कनाडा प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ के, क्या जो है वहाँ का प्रोसेस होता है, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो कि न्यू फाउंडलैंड और जो लेबरेडर जो वहाँ की प्रोविंस वहाँ रहते हैं, और ये प्रायोरिटी स्किल पाथवे प्रोग्राम कहलाता है। इसके अंतर्गत यह है कि आप को जो है हेल्प करना है उन लोगों को जो कि वहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं, हाईली एजुकेटेड या स्किल हो बहुत अच्छी, या फिर जो है नेशनल स्टूडेंट यानी वहाँ से जो है पढ़ाई की हुई हो उन्होंने, तो उनको पीआर देने के लिए ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट करने का अनाउंस किया गया था। लेकिन अभी क्या है कि ये जो है पूरी तरीके से जो है अनाउंसमेंट हो गया है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें देखिए मास्टर या पीएचडी की जो है चाहिए रहती है इसमें, यानी लास्ट 3 ईयर्स में आपने मास्टर या पीएचडी की हुई हो इन शोभा जात में, जैसे कि आईटी हो गया, ये ओशन टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपने मास्टर या पीएचडी की हुई है। ठीक है, और अगर ये भी नहीं है तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोफेशन में, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, बायोमेडिकल इंजीनियर हो गए, यूआई यूएक्स डेवलपर हो गए, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो गए, एआई डेवलपर हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, इसके अलावा देखिएगा जो पाइथन डेवलपर हो गए, नेट डेवलपर हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हो गए, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हो गए, कंप्यूटर नेटवर्क हो गए। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा ये जनवरी में जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन अभी क्या है कि ये जनवरी 2021 से ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है, तो अब जो है बहुत ज़्यादा इसके लिए ऑफर है आप लोगों के पास इसे अप्लाई करने का। तो इसकी अगर हम जो है लैंग्वेज प्रेफरेंस की बात करें तो इसमें जनरल CLB 5 आपका जो है चाहिए, मिनिमम 5 CLB आपको चाहिए। बहुत अच्छी जो न्यूज़ है, और ये उन लोगों के लिए जो मैं बोलूं कि जो ऑलरेडी वहाँ नहीं है न्यू फाउंडलैंड में या लेबरेडर में, तो उन लोगों के लिए और भी प्रोग्राम है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप उनमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जो न्यूज़ थी, आप देखिएगा नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है, आप उसे जा करके चेक कर सकते हैं। और जो लोग कनाडा में नहीं रहते हैं तो उन लोगों के लिए जो प्रोग्राम है उनसे रिलेटेड भी मेरी वीडियो है, उसमें बस ये है कि आपको एक जॉब ऑफर वहाँ से चाहिए, और जॉब ऑफर लेटर के साथ आप वहाँ पर जो आसानी से सेटल हो सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी इससे रिलेटेड या और भी कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर हूँगा, बस आप लोगों का ऐसे प्यार चाहिए जो कि मिल भी रहा है। तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।